गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक हो सारे? आज आप करांगे पार्ट टू क्रोध प्रबंधन, गुस्से बारे, गुस्से का लैसन पढ़ांगे। गुस्सा सारियां नूं आंदा है, बच्चे तो लैके वड्डे तक सारियां नूं आंदा है, ठीक है जी। उन्हें कंट्रोल करना वो अपने हाथ च हुंदा है, ठीक है जी। अज अपने अंदर एक प्रश्न पूछो कि मैं की महसूस करता हाँ, ठीक है। अज अपने अंदर खुद के अंदर झाती मार के अपनी भावनावां नूं समझण की कोशिश करनी। जे असी अपनी खुद की भावनावां नूं समझ के स्वै पड़चोल करन दे काबिल बन जाइए तो असी बहुत ही सूझवान ते सफल विद्यार्थी बन सकते हैं, ठीक है जी। साडी सीखण की समर्था, सोचण की शक्ति, याददाश्त, फैसले लैण की काबिलियत, रिश्तेदारां ताना बाणा अते सेहत सब साडियां भावनां नाल जुड़दे होए हैं। जे असी आत्मचात राही अपनी भावना नूं समझण दे काबिल हो जाइए तो असी समझदारी दे पौड़ी उपर चढ़ना शुरू कर देंदे हाँ। सानूं पूरी समझ होनी चाहिए कि कदों अते किन्ना खुश होना चाहिए, कदों हसना चाहिए है, कदों आपां नूं उदास रहना चाहिए है। ज़्यादा हसना भी नहीं चंगा जी, तो ज़्यादा रोना भी नहीं चंगा, ठीक है जी। हुण असी पड़ताल करांगे कि असी भावना दे किस दायरे विच खड़े हाँ। मेरी भावना दा दायरा बॉक्स बनिया, एक्टिविटी है, तुसीं इह नोटबुक उत्ते करनी है, लाइनज़ मार के इदा ही कलरफुल करने आ, ठीक है जी। इदा ही बॉक्सिस बनाने, इदा ही फोर फोर जिवें इन्होंने पार्ट्स वंडे हुए ने इदा ही लिख के लिखने आ। तुहाडा होमवर्क है, तुहानू दसूंगी मैं बाद विच। जिवें फस्ट पार्ट देखो, खुश हाँ, संतुष्ट हाँ, शांत हाँ, दुखी हाँ, ठीक है। खुश हाँ, संतुष्ट हाँ, शांत है, ये की है सुनहरी मौका वा, है सुनहरी दायरा वा। नैक्सट देखो, दुखी हाँ, उदास हाँ, अक गया, ये पीला दिता, आप पीला दायरा दिता वा। फिक्रमंद हाँ, चिड़चिड़ा हाँ, बहुत ज़्यादा अशांत हाँ, संतरी दायरा है। तुम मैं फोर फोर क्या, सॉरी ये थ्री थ्री ने, ठीक है। ये अपनी नोटबुक उत्ते एक्टिविटी तुसी करनी है। नैक्सट देखो, जिस दायरे विच साडे वधेरे हाँ हन, असी भावना दे उस दायरे विच हाँ, ये भी तुसी अलग तो पेज दे विच मतलब कि कॉपी दे नैक्सट पेज उत्ते ये भी एक्टिविटी तुसी अलग तो बनानी। जिवें सुनहरी मौका, सॉरी सुनहरी दायरा, जे असी सुनहरी दायरे विच आ रहे हाँ तो असी प्रशंसा दे काबिल हाँ। इसका भाव है कि साडा जीवन खुशियां भरिया है, असी संतुष्ट हाँ, असी पूरी तरह रिलैक्स, ठीक है जी। नैक्सट जिवें देख लो, पीला दायरा, संतरी दायरा, लाल दायरा, अपने इदे तुसी कलर्स फिल करके इदे ही बॉक्सिस बना के जिदा तुसी जिदा तुहाडा सुभाअ जिदा तुसी करदे हो जो तुसी करदे हो अपने बारे उदे ही लिखियो, नहीं तो तुसी आ बुक वाला ही लिखियो, ठीक है जी। नैक्सट उहदे नीचे बुक ते तुहाडी पिक्चर आ एक ज्वालामुखी दी, बुक दे विच देखियो क्रोध दा ज्वालामुखी, प्यारे बच्चों हेठ दे चित्र दी विच एक दिखाई दे रहा ज्वालामुखी। देखो जी, ज्वालामुखी जिवें फटदी है ना क्रोध नाल, गुस्से नाल अग निकलती, बहुत तेज अग निकलती है, उन्हें कहें ज्वालामुखी। यह क्रोध ज्वालामुखी है। इस चित्र विच तुहानू ज्वालामुखी दे हेठ हरियाले भरे रुख, एक साफ पानी दी वहिंदी हुई नदी, कहिंदे एक हरियाली वाले रुख दिख रहे ने, एक वहिंदी हुई नदी दिख रही है, ये खुशहाली दे प्रतीक हैं, एक पॉजिटिव वाइब्स लैके आते जी आप इन्होंने देखते हैं, इसलिए एक मुस्कुराती हुई चेहरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। नैक्सट देखो, इस तो उपर एक उदास चेहरा दिखाई दे रहा है जो बेचैनी और गुस्से कारण दिखाई। ज्वालामुखी के नाल तीन अलग अलग इमोजिज बने हुए हैं, एक गुस्से वाला, एक सैड वाला, एक खुश वाला। देखो तुसी ज्वालामुखी के बिल्कुल साइड पर बने हुए ने, तीन बने हुए ने, और तीन के अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी हुई है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड। ये तुसी रीड करनी नैक्सट पेज नंबर 10 उत्ते, ये पॉइंट्स ने, तीन पॉइंट्स ने रीड करने हैं तुसी, और तीन इमोजिज नू देख के सैड, एंग्री एंड हैप्पी, ठीक है जी। जदों तुहानू गुस्सा आउंदा है तो तुहानू अपने गुस्से नू काबू करना सीखना चाहिए है, कंट्रोल करना सीखना चाहिए है, क्योंकि गुस्से विच कई बार इंसान इन्नी वड्डी कर बैठता कि बाद चो उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा होंदा है। आपां राजे गुस्से विच बहुत जल्दी फैसला ले लैंदे आ कि आपां नू ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि अपने दिमाग में गुस्सा चढ़िया होंदा। जदों अपना ठंडे होंदे, अपना दिमाग ठंडा होंदा, तो आपां नू उदों पता लगता कि ये मैनू नहीं करना चाहिए सी, तुहाडे नाल वी किन्नी वार होया होना वा। जदों गुस्सा आंदा है तो सानू सब तो पहला पानी पियो, ठंडा पानी पियो, चेहरे अते अखा उत्ते पानी मारो, ठीक है। अखा बंद करके साह की किरिया ते
ध्यान केंद्रित करो, लंबे डूंगे सांस लवो, नोट करो कि सांस अंदर आ रहा है अते बाहर जा रहा है। कल्पना करो कि बाहर जाते सांस नाल तुहाडा गुस्सा भी बाहर वल जा रहा है। अजिहा 2-3 मिनट तक करो। उल्टी गिनती शुरू करो, 30 तो शुरू हो जाओ, उल्टी गिनती करो। अपने नाम के शब्द जोड़ने जेडे उन्होंने उल्ट करो, ठीक है जी। तुसी अपने घर विच एक मतलब अलग तो शांतमई जगह बनाओ जिथे बहुत ज़्यादा शांति होवे, तुसी बहुत रिलैक्स होवो, ठीक है जी। पॉजिटिव वाइब्स आन तुहाडे विच, शांत माहौल दे विच बैठ के तुसी ड्रॉइंग कर सकते हो, कोई भी पिक्चर बना सकते हो, कार्टून बना सकते हो, ठीक है जी। सोंग लगा सकते हो, हल्के जे सोंग ला के नाल नाल गा सकते हो, नच सकते हो, डांस कर सकते हो, ताकि तुहाडा गुस्सा कंट्रोल होवे, तुहाडा मन सैट होवे, तुसी रिलैक्स होवो, ठीक है। तुसी इदां अपने गुस्से नूं कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा करना चाहिए। नैक्सट देखो जी, ये भी एक्टिविटी है, ये भी तुसी नोटबुक उत्ते करनी है, ठीक है। नोटबुक उत्ते करके इदे कलर्स लाइट लाइट कलर फिल करके उपर मतलब तुसी इदां लिखना है, डार्क पेन जे नाल जैल नाल ही लिखियो, लाइट लाइट कलर फिल करनी है ताकि उपरा लिखा दिखे। ये भी एक्टिविटी है। एग्जाम्पल फस्ट देखो, जदों मैनू कोई डांटदा है, अगर तुसी गलत व्यवहार करदे ओहदे नाल, ठीक आ, ठीक नहीं करदे, ओहदे विच की पॉइंट्स आणगे देखो। मैं अगों बहस करदा हाँ जां करदी हाँ, चिड़ जांदा हाँ जां चिड़ जांदी हाँ, रोण लग जांदा हाँ जां लोंग जांदे ने, यही तुहाडे सही पॉइंट्स नाल वाले देखो किहड़े हो सकदे आ। गलती दी माफ़ी मंग लैंदा हाँ जां लैंदी हाँ, अगे तो दोबारा गलती नहीं दोहराऊंगी, ठीक है, जां दोहराऊंगा। जदों उन्हां दा गुस्सा शांत होवे जावे तां अपना पक्ष पेश करूंगा, वी टाइम देख के गल करूंगा, ना कि गर्म सुभाअ दे नाल जदों गल चलदी आ मैं उदों ही बोल पूंगा, ठीक है जी। इहनूं कहिंदे ने मतलब कि सही ढंग नाल पेश आना, थोड़ा दिमाग वरतना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਹੈ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ, ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਟੂਨ ਚਿੱਤਰ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਕੁਝ 17 ਲਿਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ ਮੈਨੇ, ਕਲਰਸ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਡਰੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 4 ਹੀ ਨੇ ਬਸ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ।